नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वैरायटी गैलरी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यू राशन कार्ड अप्लाई के बारे में और राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के बारे में। दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया है EPDS पोर्टल, जिसमें आप बिना कहीं गए घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप के माध्यम से मात्र 5 मिनट में ही न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों राशन कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से इसे आपको अप्लाई करना है और इसका क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए और राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है EPDS पोर्टल ऑफ इंडिया और यहाँ से सर्च कर देना है। इसे सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा होगा EPDS पोर्टल ऑफ इंडिया, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, उसे आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको राशन कार्ड रिलेटेड सारी सर्विसेज देखने मिल जाएगी, तो आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन PDS स्टेटस। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको आपका स्टेट का नाम चूज कर लेना है, मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों उस स्टेट का ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ साइड में देख सकते हो अप्लाई न्यू राशन कार्ड ऑनलाइन, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा न्यू राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताया गया है कि ऑनलाइन राशन कार्ड भरने के लिए कुछ निर्देश यहाँ पर बताए गए हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस प्रकार आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी निर्देश बताए गए हैं यहाँ पर आकर सही से आपको इसे पढ़ लेना है। दोस्तों न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए जिनके नाम से आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स को आपने यहाँ पे फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके सामने आगे का प्रोसेस ओपन हो जाता है, जिसमें अपनी डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसी पेज पर वापस आना है और आधार का ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा मोबाइल रजिस्ट्रेशन, तो आप इस पर क्लिक करके अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों बता दें कि अभी इस पोर्टल को नया लॉन्च किया गया है, इसीलिए इस पोर्टल में फिलहाल कुछ ही स्टेट का नाम ऐड कर दिया गया है और इसमें सभी स्टेट का नाम धीरे धीरे ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आने वाले सभी स्टेट के लोग अपने न्यू राशन कार्ड के लिए इस पोर्टल से अप्लाई कर पाएंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जरूरतमंद फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।